इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। भाजपा जिला कार्यालय में संगठन पर्व के तहत जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें जिला निर्वाचन अधिकारी और बैतूल विधायक हेमंत खंडेलवाल ने हिस्सा लिया। कार्यशाला में जिला एवं मंडल पदाधिकारियों को वरिष्ठ नेताओं द्वारा मार्गदर्शन प्रदान किया गया। श्री खंडेलवाल ने छिंदवाड़ा के कर्मठ कार्यकर्ताओं की प्रशंसा करते हुए बताया कि जिले ने सदस्यता अभियान में प्रदेश में आदिवासी बाहुल्य जिलों में पहला स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने कहा है कि छिंदवाड़ा आगामी 10 बार भाजपा सांसद को जितवाने वाला है और महिला भागीदारी को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया। जो बंधुवार प्रदेश की आपकी कार्यशाला में छिंदवाड़ा जिले का प्राथमिक सदस्यता का हो या आप हमारे लोकसभा के उपचुनाव का और आप हमारे अमरवाड़ा का हो, जिस प्रकार बंधुवार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने अभिवादन किया है, वास्तविक रूप से उसका कोई आधार है तो आज इस कार्यशाला में जो उपस्थित हैं हमारे अपने सभी पदाधिकारी, हमारे मोर्चे के दायित्वान लोग और आपके हमारे निर्वाचित स्थानीय, आपके हमारे जनप्रतिनिधिगण, आपके ही कार्य परिणाम के दृष्टिकोण से आज छिंदवाड़ा प्राथमिक संस्था में अन्य स्थित में एक गौरवमय स्थान प्राप्त किया और अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है। छिंदवाड़ा में 70 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों और मध्य प्रदेश कर्मकार मंडल में पंजीकृत श्रमिकों के परिवारों को आयुष्मान भारत योजना में जोड़ने के लिए निगम सभाकक्ष में बैठक आयोजित हुई। कलेक्टर शीलेंद्र सिंह के निर्देश पर हुई इस बैठक में निगमायुक्त चंद्र प्रकाश राय, SDM सुधीर जैन और स्वास्थ्य अधिकारी NK शास्त्री ने योजना की जानकारी देते हुए 100% पंजीकरण का लक्ष्य रखा है। पात्र वरिष्ठ नागरिकों को आधार कार्ड के माध्यम से पंजीकरण कर निशुल्क स्वास्थ्य कवरेज कार्ड जारी किया जाएगा। आयुष्मान योजना के तहत हर परिवार को 5 लाख का वार्षिक स्वास्थ्य लाभ मिलेगा, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों को अतिरिक्त लाभ की सुविधा मिल सकेगी। मंगलवार को नगर निगम आयुक्त चंद्र प्रकाश राय ने समय सीमा की बैठक लेकर विभिन्न विभागीय कार्यों की समीक्षा की। बैठक में अवैध निर्माण, क्षतिग्रस्त भवनों पर जारी नोटिसों और की गई कार्यवाहियों पर चर्चा हुई। सांसद विधायक निधि के कार्यों की स्थिति, स्वच्छ भारत मिशन की तैयारियां और बाजार में अमानक पॉलीथीन की जब्ती व चालानी कार्यवाही पर भी निर्देश दिए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना में जियो टैगिंग और राशि वितरण की प्रगति का जायजा लिया गया। आयुक्त ने प्रतिदिन आवारा पशुओं को पकड़ने, बिना अनुमति भवन निर्माण पर कार्रवाई और राजस्व वसूली में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही लंबित भवन अनुज्ञा आवेदनों के शीघ्र समाधान और PM स्वनिधि योजना में अधिक से अधिक ऋण वितरण करने पर जोर दिया गया। जनसुनवाई, कलेक्टर TL, CM हेल्पलाइन सहित सभी लंबित प्रकरणों के त्वरित निपटान के भी निर्देश दिए गए। त्योहारों की खुशियां लाएं अपने घर आशीष इलेक्ट्रॉनिक हब के साथ, जहां आप पाएंगे 32 इंच LED TV 7,490 रुपए में, वॉशिंग मशीन मात्र 9,990 रुपए में, फ्रिज 11,990 में, डबल डोर फ्रिज 19,990 में, सैमसंग मोबाइल 9,990 रुपए से शुरू, स्प्लिट AC 1.5 टन 29,990 से शुरू। इसके साथ ही 0% पर फाइनेंस, आकर्षक कैशबैक ऑफर हर खरीद पर, आकर्षक उपहार, किफायती वैवाहिक पैकेज उपलब्ध। तो आज ही आइए आशीष इलेक्ट्रॉनिक हब इतवारी बाजार 9424409618, शुभम इलेक्ट्रॉनिक्स नागपुर रोड छिंदवाड़ा 9111960011। दिवाली से पहले कुबोटा की दिवाली, कुबोटा ट्रैक्टर लाए हैं दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर, जिसमें आप पाएंगे पहली EMI ब्याज मुक्त, ट्रैक्टर के साथ फाइबर हुड फ्री, 5 साल की सुपर वारंटी। तो जल्द आए ऐश्वर्य HMC 4 फाटक छिंदवाड़ा, मोबाइल 9425306199, 9425147155। जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव आज संपन्न हुए, जिसमें 771 अधिवक्ताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव सहित अन्य पदों के लिए हुए इस चुनाव में पूरे दिन गहमा गहमी का माहौल रहा। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल भी तैनात रहा, जिससे मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सकी। मतगणना कल सुबह शुरू होगी, जिसके बाद सभी पदों के विजेताओं की घोषणा की जाएगी। अध्यक्ष पद हेतु 4 प्रत्याशी हैं, राजकुमार मिश्रा जी, राजेंद्र सिंह बैस, संजय गुर्जर, चौधरी रामेश सिंह। इसी पर उपाध्यक्ष पद के लिए ममता नामदेव शिवहरे,
श्याम सिंह और राजकुमार पवार, सुनील लालवानी, ये उपाध्यक्ष जी हैं। ऐसा कार्यकारिणी के 9 पद सदस्यों के लिए चुनाव होना है और बाकी पदों के लिए उसमें चुनाव होना है। प्रत्येक मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई में आज भी कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने 73 आवेदकों की समस्याओं की सुनवाई की। इस दौरान शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के साथ दूरस्थ अंचलों से आए नागरिकों ने अपनी विभिन्न समस्याओं के निराकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किए, जिसमें मुख्य रूप से जमीन का सीमांकन, अतिक्रमण हटाने, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने और आर्थिक सहायता प्रदान करने से संबंधित समस्याएं सामने आईं। कलेक्टर श्री सिंह ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को त्वरित निराकरण के निर्देश दिए, जिससे नागरिकों की समस्याओं का जल्द समाधान हो सके। जबलपुर में जारी अंतर जिला क्रिकेट प्रतियोगिता में छिंदवाड़ा ने नरसिंहपुर को पहली पारी की बढ़त के आधार पर 230 रनों से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। छिंदवाड़ा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 224 रन बनाए, जिसमें एरिक चौहान ने शानदार 116 रन बनाए। जवाब में नरसिंहपुर 94 रनों पर ऑल आउट हो गई। छिंदवाड़ा के यथार्थ डहरिया ने 4 विकेट लिए। दूसरी पारी में छिंदवाड़ा ने 199 रन बनाकर पारी घोषित की, जिसमें एरिक ने 91 रन बनाए। नरसिंहपुर को जीत के लिए 333 रनों का लक्ष्य मिला, लेकिन खेल समाप्ति तक वे 103 रन ही बना सके।